अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रेज बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 64, 72 एंड 96 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास ना जितनी भी वैल्यूज होती हैं, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और इन तीनों वैल्यूज़ के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। किसी भी वैल्यू को प्राइम फैक्टर किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि उस वैल्यू को हमें कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास वन ना आ जाए, और डिवाइड भी हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से करना होता है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जाम्पल दे रही हूँ कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने और वन के टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते। इनमें से भी जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, हमें हमेशा वहाँ से स्टार्ट लेना होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमें तीनों ही ऐसी वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं जिनके लास्ट में इवन नंबर है, तीनों ही वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे और 4 आता है 2 पे, ये वैल्यू बन चुकी है 32। फिर से इसके लास्ट में इवन नंबर है, जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड होगी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे, जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे, फिर से इवन वैल्यू है यानी कि वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे, जब तक ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। यहाँ हम 64 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास 64 के प्राइम फैक्टर। इसी तरह अब हमने 72 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, छोटा नंबर 6 आता है 3 पे, जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 2 के पास और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे, ये वैल्यू बन चुकी है 36। लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू अभी भी 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे, जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास, अरे बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे, ये वैल्यू बन चुकी है 18। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे, 9 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। 3 से अगर हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करें तो बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और 3 खुद एक प्राइम नंबर है। यहाँ हमें 3 को 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 72 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और यहाँ आ चुके हैं हमारे पास 72 के तमाम प्राइम फैक्टर्स। लास्ट वैल्यू है हमारे पास 96, इसके भी लास्ट में इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से ही डिवाइड होगी। लेकिन 2 के टेबल में 9 नहीं आता, छोटा नंबर 8 आता है 4 पे, जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया 6 के पास, बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे, अभी भी वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे और 8 आता है 4 पे, 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 4 आता है 2 पे, ये वैल्यू बन चुकी है 12। 2 के टेबल में 12 आता है 6 पे, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और 3 खुद एक प्राइम नंबर है, 3 को यहाँ हमें 3 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। यहाँ हम 96 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये आ चुके हैं हमारे पास तमाम 96 के प्राइम फैक्टर्स। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे हम इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस तरह से लिख लेंगे। सबसे पहले तो 64 के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, काउंट कर लेते हैं कितने 2 थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उन्हें हम इस तरह से लिख लेंगे। अब हम लिख लेते हैं 72 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट में हमारे पास है 96, उसके भी हम प्राइम फैक्टर को इस तरह लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, काउंट कर लेते हैं अभी कितने 1, 2, 3, 4, 5 टू हैं हमारे पास यहाँ पहले तो, और लास्ट में एक बार 3 है। अब हमें इनकी पेयरिंग करनी है, हमें देखना है कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं सबसे पहले जो कि तीनों में मौजूद हैं। जैसे कि ये 2 हमें तीनों में नज़र आ रहा है, इसका पेयर बन गया, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे एक बार लिख लिया। एक और 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक और बार लिख, यहाँ पे एक बार लिख लिया। एक और 2 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। उसके अलावा अब हमें 3 में और कोई पेयर बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ऐसा कोई प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि तीनों में मौजूद है।
जब हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम दो में भी इसकी पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये टू देखिए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। इसका पेयर बन गया और ये पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। इसी तरह ये टू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका फिर से एक टू का पेयर बन गया और इसे भी हमने यहाँ एक बार लिख लिया। अच्छा जी, उसके अलावा एक पेयर हमें थ्री का भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक थ्री यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, इसका भी पेयर बन गया और इसे भी हमने एक बार लिख लिया। अब हमें मज़ीद कोई ऐसा प्राइम फैक्टर नज़र नहीं आ रहा जो कि दो में भी सेम हो। फिर अब हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम देखेंगे रिमेनिंग फैक्टर, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनका कोई पेयर नहीं बना। वो सिर्फ हमारे पास ये टू रह गया, यहाँ पे देखिए सबका पेयर बन चुका है, सिर्फ ये टू रह गया और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये थ्री रह गया। तो लास्ट में जो रिमेनिंग फैक्टर्स रह जाएंगे जिनका कोई पेयर नहीं बना, उनको भी हमने यहाँ एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, जिनमें हमारे पास एक टू और एक सिर्फ थ्री ही रह गया था। अब एलसीएम फाइंड आउट हम इजीली कर सकते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। तो चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं एलसीएम 64, 72 एंड 96 का। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 टाइम 2 इज़ 32, 32 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ 3 से। वो हम यहाँ रफ़ में कर लेते हैं कि जब हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 3 टाइम 2 इज़ 6 एंड 3 टाइम 3 इज़ 9, ठीक है। 96 आ गया, 96 को फिर से हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। 2 टाइम 6 इज़ 12 पर 2, 1 कैरी। 2 टाइम 9 इज़ 18 प्लस 1 19, इवन जो है 192। और लास्ट है 192 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी हम यहीं कंटिन्यू करते हैं। 3 टाइम 2 इज़ 6, 3 टाइम 9 इज़ 27 प्लस 7, 2 हमारे पास यहाँ कैरी चला गया है। 3 टाइम 1 इज़ 3, 4 एंड 5 मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 64, 72 एंड 96 का वो आ चुका है और वो है 576। देखा आपने कितनी जल्दी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।